नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं श्री श्री 1008 सुदिष्ट बाबा धाम दर्शन। सुदिष्ट बाबा का कृपा आपके पूरे परिवार पर बना रहे, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुँचे। मैं आपका छोटा भाई अरुण यादव, पूरा दर्शन और धाम का ब्यौरा लेने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए सुदिष्ट बाबा धाम दर्शन। आइए दोस्तों, ये देखिए तादाद में भीड़ लगी हुई है, प्रशासन भी यहाँ पे जमी हुई है कि किसी तरह का कोई हताहत ना हो, और दूर दूर से लोग बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं। यहाँ संत का मेला लगता है। ये रहे बाबा, इनसे आशीर्वाद लेते हुए लोग। बहुत श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और संतों का भीड़ लगा हुआ है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धा से चावल दाल आटा ये हरी सब्जियाँ वगैरह जो भंडारा लगता है इसके लिए उपलब्ध रहता है। और ये महात्मा जी लोग बहुत उत्साहित हैं यहाँ के लोगों को सहयोग कोऑपरेट करने के लिए। मंदिर का काम चालू है, मंदिर निर्माण का काम चालू है, पुराना जो है मंदिर को ये करके और सुंदरीकरण किया जा रहा है इसका, और विस्तार से किया जा रहा है। ये देखिए कितनी तादाद में भीड़ लगी हुई है। तो वीडियो के अंत तक रहिए, देखिए आपको अंदर मंदिर का भी दर्शन कराता हूँ मैं। ये सभी श्रद्धालुगण जो है कि एक दूसरे से मिलते हुए बाबा का दर्शन करते हुए, ये वो हस्ती है जो अपने ज़माने में एक सातवार में चैनराम बाबा का मंदिर है, और इनका नाम श्री सुदिष्ट बाबा की समाधि यहाँ पे लिया गया था। बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी हैं। एक समय की बात है, बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि शेर पे बैठ करके चरण बाबा जो है कि सातवार से इनसे मिलने के लिए आ रहे थे, कि कौन से सिद्ध पुरुष से इनसे मिला जाए। तो ये दीवार पर बैठे हुए थे, दीवार पर बैठ के जिस तरह से ब्रश कर रहे थे, दातुन कर रहे थे, इनको एहसास हो गया कि चंद्रम बाबा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है हमारे परंपरा में होता है कि अगर कोई आता है तो उनसे मिलने के लिए दो कदम आगे बढ़ करके स्वागत किया जाता है। ठीक, इन्होंने दीवार को आदेश दिया या हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से चंद्रम बाबा का स्वागत के लिए 10 कदम आगे बढ़ो। तो निर्जीव दीवार जब चल पड़ी तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुदिष्ट बाबा की महिमा क्षमता क्या है। और यहाँ पे जो लोग भी दर्शन करते हैं, ये देखिए ये कितनी तादाद में भीड़ लगी हुई है। प्रसाद यहाँ चढ़ रहा है, ये रहा उनका समाधि स्थल मंदिर। हाँ, इसके अंदर और भी इस मंदिर को विस्तार किया जा रहा है। तो दीवार चल पड़ी तो चरण बाबा भी मान गया कि हाँ सुदिष्ट बाबा भी कुछ पहुँचे हुए हस्ती हैं, और ये बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। जो भी आपसे अच्छे दिल से सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं आपका मनोकामना पूर्ण होता है। ये हमारे पिताजी हैं, क्योंकि मम्मी पापा को अपना दर्शन करने के लिए यहाँ लाया था। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये श्रद्धालुओं जो है कि अपंग अपाहिज लोग जो भी हैं वो अपने उनको दान दक्षिणा करते हैं उनके भोजन के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।